दुर्ग रेलवे स्टेशन में शदाणी युवा मंडल के द्वारा हर साल की तरह इस साल भी यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की गई। पूरे गर्मी के मौसम चलने वाले इस सेवा कार्य में 50 से अधिक सिंधी समाज के युवा लंबी दूरी से आने वाली ट्रेनों के यात्रियों को निःशुल्क पानी पिलाते हैं। विगत कई वर्षों से यह कार्य अनवरत जारी है। सोमवार को इस कार्य का समापन किया गया, जिसमें कि सिंधी समाज के धर्मगुरु विशेष रूप से उपस्थित रहे एवं अपने इस सेवा कार्य के बारे में कुछ इस तरह से जानकारी दी। सिंधी समाज द्वारा शदाणी युवा मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 65-70 दिन का जल आश्रम के माध्यम से मुसाफिरों को पानी नहीं ठंडा पानी, अमृत उत्सव चल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि अमृतमय पानी सबको डब्बों में पहुंचाकर यह सेवा की गई। 8 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के बुजुर्ग ने और समाज की महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। हम कह सकते हैं कि हम सब भारतवासियों का सेवा करना परम धर्म है, हम लोग इसको अपने जीवन का परम कर्तव्य मानते हैं, पर दुर्ग स्टेशन पर जो सेवा हो रही है यह प्रेरणादायी है। दूसरे स्टेशनों पर या शहरों में रहते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ लगा रहता है, जिसको जाना है पी लो, पानी पता नहीं साफ है कि नहीं, पर यहाँ ठंडा पानी फ्रिज वाला, यहाँ तक कि हमारे समाज के बच्चे घरों से भी फ्रिज बर्फ़ लेके आके यहाँ पानी में डाल के ठंडे पानी की सेवा की है। हमें फ़ख्र है शदाणी दरबार जल सेवा आश्रम दुर्ग रेलवे स्टेशन पर। पीयूष साहित्या अभिगंत्री मानो जुनानी आई, उसके बाद भाजपा पाउजा ये सब पीछे वाली टीम है, इधर मेन जगह पे पानी चल रहा है, पानी चल रहा है, पानी हर्ष कर भाई लव कर भाई। विनोद विनोद खत्री और अजय गुप्ता जी, आप दोनों ये समक्ष।